खबर गंज बासौदा से। युवती की दिनदहाड़े हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी। घर में अकेली थी युवती, मां का था सुनने और पिता ड्यूटी पर थे। विशेष सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के त्योंदा रोड स्थित लाल पठार क्षेत्र में एक लगभग 18 वर्षीय युवती रचना कुशवाहा की दिनदहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिससे क्षेत्र में खौफ का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार लाल पठार निवासी काशीराम कुशवाहा की पुत्री दोपहर के लगभग 3:30 बजे घर पर अकेली थी। परिवार के सदस्य नगर में चल रही कथा सुनने गए थे। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने प्रकरण कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। देर शाम विदिशा में FSL दल जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचा। युवती के चाचा और भाई जितेंद्र कुशवाहा ने बताया कि मृतक युवती की मां जब शाम को कथा से लौट कर घर आई तो उन्होंने अपनी पुत्री को इस हालत में देखकर लोगों को जानकारी दी। आकर देखा तो युवती जीने पर खून से लथपथ पड़ी थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। दोपहर के समय अकेली पाकर अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस और विदिशा से FSL दल के मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। युवती के शव को PM के लिए भेज दिया गया है। समाचार लिखे जाने तक हत्या के मामले का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। मेरा नाम जितेंद्र कुशवाहा। हमको तो कॉल गया था कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, उसके गले में मतलब कुछ लगा है तो उसका गला कट गया है। तो फिर हम वहाँ से आए, फिर गांव से तो इधर आके देखा हम बस। फिर इसके बाद पुलिस को कॉल किया तो पुलिस पहुँची है बाद में। जब आप आए हैं, हाँ, तो यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं? सर व्यवस्थाएं तो देखो, यहाँ की पुलिस लोकल पुलिस पहुँची है। इसके बाद में शायद विदिशा से भी कोई टीम आई, लेकिन वो थोड़े टाइम में आई है। अब आने में थोड़ा समय तो लग गया उसे, लेकिन आई। लेकिन इसके बाद उन लोगों ने हमसे कुछ नहीं बोला है अभी, और इधर बोल दिया मतलब अभी गाड़ी में सब रखवा के और इधर भेज दिया हम लोगों को, बोल दिया। और इसके बाद बोलने लगे आप लोग बैठ जाओ, 2-3-4 लोग तो उधर उतरवा के फिर अपने आ जाना। तो एम्बुलेंस में कोई पुलिस वाला आप लोग के साथ नहीं आया? नहीं, एम्बुलेंस नहीं, सब वाहन गया था। सब वाहन के साथ? हाँ। और यहाँ पर भी आपको कोई नहीं मिला? नहीं सर, कोई नहीं मिला, परिवार वाले ही हैं। बॉडी को किसने उतारा था? सर हम लोगों ने ही उतारा है, परिवार वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। सिस्टर भी? आपको चाचा की लड़की? तो अभी क्या क्या स्थिति है? पुलिस किधर में आई और अभी क्या कहाँ लेके आए? पुलिस तो अभी गई है, घंटा डेढ़ घंटा बजे रात आ रही है। जब ये घटना हुई तब कितनी देर बाद आपको पता चला? वो तो हमने घर पे कोई थे नहीं, जब छोटे छोटे मोड़ा मोड़ी ने देखे, इसके बाद उनने फोन वोन लगाया। जब हम गाँव पे थे। कौन से गांव की घटना है? जी जहीं की है घटना। तो लाल पटाखे, लेकिन हम लोग सब गांव पे थे, हम अपने काम में बिजी थे। सब लोग फोन गया है, फिर इसके बाद में जानकारी परिवार वालों को, तो सब लोग इकट्ठे हो गए। कुछ मालूम चला क्या घटना किसने? खबर भारत वर्ष के लिए गंज बासौदा विदिशा से भैयालाल ठाकर की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।